बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की घोषणा हो चुकी है। तीन चरणों में होने वाले चुनाव की शुरुआत में पहला मतदान 28 अक्टूबर को होगा, जबकि परिणाम 10 नवंबर तक आ जाएंगे। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें से अधिकतर सीट नक्सल प्रभावित है। इसका नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को जारी होगा और नामांकन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर होगी, जबकि 12 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने बताया कि पहले चरण में भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा। वहीं दूसरे चरण में यानी 3 नवंबर को 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण का नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को जारी होगा और नामांकन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर होगी, जबकि 19 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। दूसरे चरण में जिन जिलों में चुनाव होना है, चुनाव आयोग के अनुसार मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में दूसरे चरण में चुनाव होंगे। दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को होना है, जबकि तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को 78 सीटों पर होगा। इसका नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को जारी होगा और नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर को होगी। 23 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। तीसरे चरण में जिन जिलों में चुनाव होगा, उसमें जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जैसे जिले हैं। परिणाम की बात करें तो चुनाव का परिणाम 10 नवंबर को आ जाएगा।